डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। नाम नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि एक साल में ये अच्छी तरह याद हो जाएगा, तो बड़े काम आने वाला है। क्लास 11th और 12th की पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं। कौन से क्लास के लिए? क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। और ये एग्जॉस्टिव कवरेज है आपके बोर्ड सिलेबस की। ध्यान रखिएगा, हम आपके बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखकर क्लासेस डिजाइन कर रहे हैं और आपको बोर्ड्स के स्टैंडर्ड की क्लास दे रहे हैं। और प्रॉपर क्लासेस हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे हम, कर रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये सीरीज चल रही है आपके साथ। हर रोज हम मिलते हैं और क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेहतरीन लेक्चर सीरीज में आज है लेक्चर 13 के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं आपको पढ़ा रहा हूं आरटी एकेडमी पर। मैं आईआईटी कानपुर में बहुत सारी पढ़ाई करके अपनी डिग्री कंप्लीट करके आया हूं, और इसी तरह आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। खुद भी बहुत अच्छी जगह पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा सा पढ़ा रहे हैं। मिलेंगे, साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करेंगे, आप हमें देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको किसी तरह की क्लासेस की नीड नहीं होगी, कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेंगे, डाउट्स ढेर सारे करने वाले, प्रॉब्लम बहुत सारी करने वाले। सब्सक्राइब कर लीजिए आरटी एकेडमी को, मजा आ जाएगा आपको। साल भर आप पढ़ाई में स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, और बस यही तो चाहिए यार। चलिए काम शुरू करते हैं लेक्चर 13 में। ये लास्ट लेक्चर की स्लाइड मैंने बचा के रखी हुई है। आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। व्हाट वाज पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। यानी कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किया जाता है। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे डिफाइन किया गया? तो हमने कहा जो कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे वर्क कर रही है, कंजर्वेटिव जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती हैं। एग्जांपल के लिए आप ग्रेविटी का फोर्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। हेंस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये माइनस क्यों लगाया है? ऐसे ही डिफाइन किया है। वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फंक्शन ऐसा आया, ये कुछ नहीं, हम जनरेट कर रहे हैं। वी डिफाइन अ फंक्शन लाइक दिस, ये हमारी इच्छा के ऊपर हमने इसे कैसे डिफाइन करें। तो माइनस से साइन क्यों डिफाइन किया? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आसान हो जाएंगी और समझ आएगा इस माइनस को डिफाइन करने के पीछे बहुत सुपर लॉजिक है ना। आगे देखिए क्या है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स उस माइनस को उधर स्विच करेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बनेगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर मेरा नेगेटिव में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो जाता है, तो फिर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बन जाएगा। यानी कि आपको सिस्टम अरेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट को, आपको या कोई भी सिस्टम जो सिस्टम को अरेंज कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो अरेंज कर रहा है, इसे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जीज हमें पता होती है, इनका डिफरेंस हमारे वर्गन के बराबर होगा। ध्यान रखिए, ये भी तब जब ये दोनों बराबर तब होते हैं जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत स्लो होता है। डिस्प्लेसमेंट स्लो से लॉजिक क्या है? कि एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो एंड वेलोसिटी इज नेगलिजिबल। और ये ध्यान रखते हैं चीजों का। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फंक्शन है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों तरह की वैल्यूज ये हो सकती हैं। जिस रेफरेंस को हम जीरो मान लेंगे उससे कम एनर्जी को नेगेटिव, उससे ज्यादा एनर्जी को पॉजिटिव मानेंगे। अच्छा, और रेफरेंस हम डिसाइड करेंगे? जी हाँ। स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? लॉजिक ये है कि आपने जब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन किया तो यू हैव डिसाइडेड टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन द टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी पाथ का फंक्शन नहीं होगा। इट मस्ट बी अ स्टेट फंक्शन, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान रखिए, ये कल के लेक्चर का रिकॉल था। लेट्स नाउ मूव ऑन टू स्लो डिस्प्लेसमेंट की नीड। आपको बताया गया कि स्लो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत नीड है, स्लो डिस्प्लेसमेंट की बहुत जरूरत है। क्यों?
समझ भी आएगा। हर बार हम लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट किया तो उसे स्लो रखने की कोशिश, तेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? तेज करते बॉडी को तेज भगाते तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो सिस्टम में आता ही, काइनेटिक एनर्जी का भी आ जाता है। वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन काइनेटिक एनर्जीज। कितनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दी गई हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमें कितना बर्डन करना पड़ेगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाए। यानी हम अपने बर्डन को पोटेंशियल एनर्जी से जोड़ के देखना चाहते हैं, पर जो एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन है ये काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जानबूझकर ये एस्टेब्लिश कर दिया जाए कि एक्सटर्नल एजेंट के बर्डन ने किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं करी या सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करी, तो जितना एक्सटर्नल एजेंट ने बर्डन किया, जितना एक्सटर्नल एजेंट ने बर्डन किया वो सारा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। पोटेंशियल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, हमें फंक्शन पता चलते ही अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जीज पता चल जाएंगी, उन एनर्जीज का डिफरेंस सीधा सीधा हमारा बर्डन होगा। इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। आप देखें बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही बात क्यों की गई, उसका लॉजिक है कि हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। कंसेप्चुअली ये कंजर्वेटिव होना चाहिए बट हम दूसरे कंजर्वेटिव फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अगर बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के बर्डन के नेगेटिव के बराबर हो जाए, बर्डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसी को दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बर्डन बाय कंजर्वेटिव। और ये तब होगा दोस्तों जब हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स का बर्डन फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज हाउ वी डील विद इट। अच्छा, इससे क्या होगा, चलो दोबारा से रिकॉल करते हैं। बर्डन बाय कंजर्वेटिव इज नथिंग बट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। कंजर्वेटिव फोर्स हमने जानबूझकर डिफाइन किया स्लो डिस्प्लेसमेंट में कि वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम एक्सटर्नल एजेंट होगा, एक्सटर्नल का वर्कडन माइनस टाइम कंजर्वेटिव होगा। माइनस को रखा बाहर और कंजर्वेटिव फोर्स के वर्कडन की जगह ये वैल्यू उठाकर डाल दी। माइनस को अगर मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट बिकम्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप देखें कि आपको कितना वर्कडन करना पड़ रहा है सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को चेंज करने में, बदलने में। ये वर्कडन आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस से चुपचाप से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से, चीजें बड़ी आसान हो जाती है, आप इंटीग्रेशन से बच जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या मतलब, ये डब्बे में आपके लिए लिखा हुआ है अपनी भाषा, अपनी भाषा मतलब जो बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, आइए देखिए। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से एक्सटर्नल एजेंट का टक 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 कलर चेंज, मान लो कि बाइक ले लिया जाए, भैया लेनी चाहिए था बाइक चाहिए था, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती तो सावर एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती, लेकिन अगर स्लो डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन आसानी से निकल आएगा। इसलिए हम जानबूझकर जब भी कभी सिस्टम में चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वी जनरली डिस्प्लेस द चार्जेस स्लोली। ना लिखाओ कैसे डिस्प्लेस किया है तो मान के चलना है कि स्लो डिस्प्लेसमेंट है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बताए नहीं जाते हैं, पढ़ाए नहीं जाते, आप क्लास में नहीं सुनेंगे ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोर्ड्स बदनाम है कि बोर्ड में तो सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाई होती है, बताते नहीं, बताया नहीं जाता। सुपरफिशियल लेवल की पढ़ाई थोड़ी, आप अगर उसको ठीक से पढ़ना चाहें और ठीक से आपको समझाया जाए तो वो सारा कंटेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है हमारे पास यही है, हम इसको अच्छी तरह पढ़ नहीं रहे। बस आप पढ़िए आरटी अकेडमी पे, अच्छी जान से पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज परत खोल कर बताई जाएगी कि देखो इसके अंदर ये कांसेप्ट है। क्लियर है एकदम, स्लो डिस्प्लेसमेंट की नीड समझ आई है, आराम से आइए, टेंशन नहीं लेंगे। अगर गौर से नहीं सुना है रिपीट मारो, एक बार और सुनो, पूरी तरह समझ आएगा। अच्छा सर, अगली स्लाइड पे तो पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा भी कर लेते हैं। आओ साहब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करें, कुछ याद करते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला था,
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने जो निकाला था वो था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q1 या q नॉट लिख लेते हैं, बेसिकली q1 q2 की जगह, और अंदर जो था वो था 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये फॉर्मूला हमने निकाला था। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपको याद रखना है बेटे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं कि ये जो चार्जेस आपको दिए गए हैं, दीज चार्जेस मस्ट बी विद देयर साइन। इन चार्जेस को आपको साइन के साथ रखना है। ऐसा क्यों पढ़ा रहा? अगर वर्क डन नेगेटिव है तो कैसे लिखोगे नेगेटिव? हम सब देख लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छी बात है, फॉर्मूला यूज करो ना यार, प्यारा सा फॉर्मूला लिखा है, चार्जेस को साइन के साथ रख दो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, रिपेल हो रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, साइन के साथ रख लीजिए। नाउ इफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और इफ एंड बट का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। चेंज इन पोटेंशियल सॉरी माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है। हम लिखेंगे इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रो। आप माइनस को उधर भेज दीजिए, व्हेन माइनस कम्स हियर ये बन जाएगा u initial minus u final and that comes out to be electro का वर्क डन हमने लिख रखा है, that is 1 over 4 pi epsilon naught q q naught और ये लिखा गया 1 by r1 minus 1 by r2। I hope सबको एकदम चमका होगा, अच्छे से समझ आया होगा, इसकी फील आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक अंदर से फील ना आए मजा नहीं आएगा, फील आना चाहिए। अच्छा साहब क्या करें, कुछ खास नहीं, आइए इसी को आगे देखते हैं। आगे कैसे देखेंगे? आंखों से आओ देखो, u initial minus u final is equal to, मैं इस पूरे टर्म का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कराता हूं, आप देखें 1 over 4 pi epsilon naught q q naught by r1 minus 1 over 4 pi epsilon naught q q naught by r2। आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे u इनिशियल की जगह पर 1 by 4 pi epsilon naught q q naught by r1 लिखा है और u फाइनल की जगह पर 1 over 4 pi epsilon naught q q naught by r2 लिखा है? हाँ, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का अपने आप में, अगर हम किसी पोटेंशियल एनर्जी टर्म को डिफाइन करें तो वो 1 by 4 pi epsilon naught q q naught by r टाइप का आना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी k q 1 q 2 by r और दूसरी जगह की पोटेंशियल एनर्जी k q 1 q 2 by r r1 r2 हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब इस शक्ल में फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आना चाहिए। ऐसा क्यों पोटेंशियल एनर्जी के पीछे पड़ते, डिफाइन तो कर लो यार, पोटेंशियल एनर्जी हर बार चेंज ही जरूरी होगी। और देखिए हमने डिफाइन किया, कहा अगर ऐसा हो जाए इफ R2 is infinite, ध्यान रखिएगा if R2 is infinite, बहुत important है, then U final is zero। ये क्या बकवास है? एकदम सिंपल सी स्टोरी आप देखें, अगर ये बनेगा infinity तो किसी के भी नीचे होगा infinity तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। एकदम आसान सी बात जी, तो u फाइनल हो गया जीरो तो u इनिशियल बचा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट बाय r1 और मैं r1 r2 नहीं लिख रहा हूं, अब उसको कर रहा हूं जनरल r r लिख दिया एंड दिस इज नाउ माय फार्मूला। अब देखें कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से स्टार्ट किया, कोई एक कांसेप्ट अस्यूम किया है, अस्यूम क्या किया कि जो इनफाइनाइट पोजीशन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है
वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। ये कंसीडर करते हुए इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, हम किसी भी आर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लिख पा रहे हैं। और अगर मैं और इसको अच्छी तरह लिखने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट इट एज पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन आर एज अ फंक्शन ऑफ आर। अच्छा लगा, तो मजा आया और बड़ी, तो ठीक है। लेकिन इसमें वही थॉट अभी भी समाया हुआ है, मैं लिख देता हूं। कंसीडरिंग पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी टू बी जीरो, ठीक है ना। दूसरी बात, अगेन इस बात को दिमाग से निकालना नहीं है कि ये जो हमारे चार्जेस हैं Q और Q नॉट, इन्हें इसमें साइन के साथ डालना है। दूसरी बात, एक ये बात भी नहीं भूलनी है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? ये भूलना कतई नहीं है, अलाउड ही नहीं आपको भूलना। मेरे हिसाब से कोई बात आपको समझ आएगी, क्रिस्टल क्लियर होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, ये खूब भ्रांतियां बच्चों में होती है, मैं भी भ्रांतियां दूर कराने आया हूँ, प्रॉब्लम्स दूर कराने आया हूँ, देखते रहिए काम की बातें। साहब ग्राफ की भी चर्चा कर ले, भैया आपको हिलने के लिए नहीं कहा है, ये क्या किया आपने, छोटा कर दिया यार, एक ही जगह पे बातें कर लेने ढेर सारी, इसलिए इसको छोटा कर दिया। हाँ सेट हो गया, आओ बनाए ग्राफ। अगर ग्राफ बनाने की इच्छा है तो मेरे हिसाब से आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए यस यस, ये क्या किया, कुछ खास नहीं, आप देखते रहे। यहां पे प्लॉट किया है आर और यहां प्लॉट किया है यू। आप देखें कि जो यू और आर का रिलेशन है, यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर ऐसा रिलेशन होता है तो ये तो a into b is equal to constant वाला ग्राफ है, और जब भी ऐसा ग्राफ दिखाई देता है तो हम ग्राफ की शक्ल बोलते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, मैथ वालों से पूछिए, आपको आता है नहीं आता है, मैथ के लेक्चर्स आएंगे यार, उसमें देख लेना क्या होता है, अच्छी तरह सीख लोगे। फिलहाल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, आप देखें कैसे बनता है। जब r की वैल्यू को आप जीरो डालते हैं इस फंक्शन में, तो r की वैल्यू जीरो, किसी के भी नीचे जीरो आएगा तो फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। पर अगर आप r की वैल्यू को इनफाइनाइट डाल दें तो किसी के भी नीचे इनफाइनाइट आएगा तो फंक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। मतलब ग्राफ इंफिनिटी से शुरू होता होगा और डिक्रीजिंग काइंड ऑफ ग्राफ होगा और ऐसे बन जाएगा इस तरह का ग्राफ, और कभी भी ये इनफिनिट को टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोट होते हैं ना, कैसे टच कर जाएगा। ये u as a function of r is falling as 1 by r, ये है हमारा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी। क्षमता अच्छी समझ आया, फीलिंग आनी चाहिए। चलें शुरू करें, ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज, फाइनली मैं एक बार दोबारा रिपीट करके लिख देता हूं, दैट इज यू एज अ फंक्शन ऑफ आर इज नथिंग बट 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, जहां पे क्यू कोई एक चार्ज है, क्यू नॉट कोई दूसरा चार्ज है, इसकी जगह क्यू1 क्यू2 भी लिख सकते थे, कंसीडरिंग ये सारे के सारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। ये फार्मूला वैलिड ही था साहब, जब आपने जो फोर्स लिखी वो कूलम्स लॉ से पॉइंट चार्ज के लिए लिखी, और जो बग्डन लिखा वो पॉइंट चार्जेस के लिए लिखा, तो ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट चार्जेस के लिए सत्य है। लाइन चार्ज आएगा, सरफेस चार्ज आएगा, तो ये फार्मूला ध्वस्त हो जाएगा, हम इसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो जिस कंडीशन पे फार्मूला डिराइव किया उस कंडीशन पे बातें होंगी, ठीक है ना। फॉर पॉइंट चार्जेस लिख देता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। चलें आगे बढ़े, काफी देर दे दिया इससे। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आओ देखो पोटेंशियल, मानो कि यहां पर कोई एक चार्ज है जिसको हम कह रहे हैं Q, और आपने ये केल भी देख ली है तो आपको पता चल गया कि ये फिक्स्ड है।
वी आर डीलिंग ओनली विद द पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि इसी पर चीजें डिफाइन की जा रही हैं, तो मैं सही लेके चलते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये CKA है। व्हाट इज CKA? क्लास के अंदर, ठीक, क्लास के अंदर एक चार्ज है नन्ना मुन्ना छोटा क्यू नॉट। ये कहां पर है? दुबई में। ये दुबई कहां होता है? इंफिनिटी, बहुत दूर है। इनके बीच में कितना फोर्स? जीरो। क्या है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी? जीरो है ही नहीं। अरे इतना दूर है, जब फोर्स ही नहीं लगा रहे तो काहे की पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा, लेकर आओ। किस रास्ते से ला रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स है। आप इसे लेकर आए चार्ज के पास, जब आप चार्ज के पास इसे ले आओगे तो कोई ना कोई पॉइंट तो आ ही जाएगा, और जब कोई पॉइंट आ जाएगा इस पॉइंट को आपने नाम दिया ए, और जब नाम दिया ए तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जोन में आ गया सर। क्यों आ गया? क्योंकि ये तो चार्ज के पास आ गया है। अगर आ गया है चार्ज के पास तो आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया है चार्ज तो फील करने लगा है प्लस प्लस रिपल्शन, एक दूसरे से चिढ़ है, नफरत है, धक्का देंगे, रिपल करेंगे। अच्छा, अगर ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को तो हम क्या कर रहे हैं? हमें धक्का देके पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, और पास और पास और पास और ए तक लाकर सेटल कर दिया। पर रिपल्शन के अगेंस्ट हमने वर्क क्यों किया? हाँ, अगर हम रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो लॉजिकली हमारी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है यार। हम वर्क कर रहे हैं, ये कहां जा रही है हमारी एनर्जी? हम जो वर्कन कर रहे हैं उसकी वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। सिस्टम इनफिनिट दूरी पर था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सिस्टम फाइनाइट दूरी पर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जो हमने वर्कन किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। सुनते रहे ना, पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, हमने इसको धक्का मारा, टायर टायर टायर, कोई वर्कन नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि इंफिनिटी पे थे। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के जोन में आ गए तो रिपल्शन लगने लगा। हम रिपल्शन के अगेंस्ट 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 वर्कन कर रहे हैं, और करते 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 कहां ले आए? ए पर। जितना वर्कन हमने किया उसी से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मजा आया? सिंपल। कितना वर्कन किया उससे फर्क नहीं पड़ता, किया बस इससे पड़ता। मान लो कि कोई Q0 चार्ज तुम लाए थे, इस Q0 चार्ज को A तक लाने में कितना वर्कडन करना पड़ा? तुमने कहा WA। ये क्या नंबर नहीं लिखा? तो कुछ होगा 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, 100, 50, जो भी है ले लो यार वैल्यू। तो पकड़ लिया कि WA। A क्यों लिखा? A तक लाने में वर्कडन किया, तो सबस्क्रिप्ट लगा दे ताकि आपको मालूम रहे। 1 कूलम चार्ज को लाते तो कितना वर्कडन करना पड़ता? WA डिवाइडेड बाय Q0। ये आपको कैसे पता? इतने रुपए में इतनी टॉफी, तो एक रुपए में इतनी टॉफी, बचपन वाली कहानी। इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसकी वैल्यू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। अगर देखें तो ये बना जूल, और जूल के बाद नीचे कूलम, इनकी यूनिट बन गई। क्लियर है? ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने कहा कि वर्क डन एट ए इज नथिंग बट पोटेंशियल एट ए इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज जूल पर कूलम। इस जूल पर कूलम को हमने लिखा वोल्ट, सिंबल है कैपिटल बी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन, कितना वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट काम तो क्यू नॉट ला रहे हैं। अबे क्यू नॉट लाने में वर्क डन लिखे थे, उसके बाद एक कूलम का नहीं कर दिया क्यू नॉट से डिवाइड करके, तो कितने वर्क डन को पोटेंशियल ले रहे हो? क्यू नॉट वाला कि 1 कूलम वाला? 1 कूलम वाला। हम ला क्यू नॉट रहे हैं, हमने वर्क डन लिख दिया, और वर्क डन लिखने के बाद उसको क्यू नॉट से डिवाइड मार दिया ताकि ये तय कर दिया कि क्यू नॉट नहीं लाए थे, 1 लाए। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट से ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ चार्ज क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। दिस इज हाउ वी डिफाइन यूनिट्स जूल पर कूलम। इस जूल पर कूलम को कंबाइन करके क्या लिख दिया? वोल्ट हमारा आंसर है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। क्या कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की चर्चा करते हैं।
अब देखिए बॉस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख दिया आपने, आपको अच्छा लगा। इसके बाद अगर मैं यहां से इसे और आगे ले जाऊं और एक पॉइंट आए बी, और मैं कहूं कि बी तक जाने में आपने कितना वर्णन किया, तो आप कहेंगे डब्ल्यू बी वर्णन किया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं पहले, तो आपको समझाने के लिए होल साइड मस्ट बी अ लिटिल स्मॉलर, ये छोटा कर लिया इसको। अब देखो ये तो ए तक की बात थी, अब बी की बात करते हैं। टू बी, बी तक ले जाने में कितना वर्णन किया, तो हम कहेंगे Q0 को लाने में WB वर्णन किया, एक कूलम को लाने में WB by Q0 वर्णन करना पड़ता। अरे ये तो B का पोटेंशियल है, तो हम कहेंगे हाँ B का पोटेंशियल है। कोई आदमी कहेगा कौन हायर कौन लोअर ये बताओ, हम कहेंगे सुनो सुनो बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है यार, A पर वर्णन ज्यादा था कि B पर, तो लॉजिकली B पर, क्यों, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है, दूसरा हम ज्यादा चार्ज के पास आ गए, फोर्स ज्यादा लगने लगी होगी, तुम्हें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी, जितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी उतना ज्यादा वर्णन हो गया होगा। फिर से सुन, इंफिनिटी से लेके आया ये तक, कुछ ना कुछ वर्णन करना पड़ा, और पास ले जा रहा है, 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 बी तक लेके चला गया, क्या तुझे ज्यादा वर्णन नहीं करना पड़ा। दो फैक्टर्स, पास जाने पर फोर्स बढ़ रही है Q1, Q2 by R square. If R decreases, force increases, तो force बढ़ गई, तो तुझे ज़्यादा वर्णन करना पड़ा। दूसरा, A से B ज़्यादा पास है, तो तूने ज़्यादा displacement किया है। अरे यार वर्णन तो obviously बढ़ गया। तो क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हमारा वर्णन B तक का है, वो greater है वर्णन A तक से, तो हम कहेंगे कि B का potential ज़्यादा है A के potential से। B का potential ज़्यादा है A के potential से। लॉजिकली क्लियर। अच्छा सर, इसका मतलब पोटेंशियल में लोअर और हायर का केस आ गया। हाँ आ गया, आ गया। तो एक टर्म होगा जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो प्लस कर लेते हैं, नाउ वी डिफाइन अ न्यू टर्म कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बॉस सुनो, V A को घटाया जाए V B से तो आएगा डेल्टा B। ये डेल्टा B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। A का पोटेंशियल लिखो, B का पोटेंशियल लिखो, माइनस कर, तो डिफरेंस आ गया। क्या मतलब है इस बात का, ये तो एकदम सिंपल सी बात कर दी, कठिन बात कर लेते हैं। आइए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप वर्णन कर रहे थे, टणन टणन नचाते हुए आ रहे थे A तक इस रास्ते से, A तक इस रास्ते से, A तक इस रास्ते से, वर्णन कितना था, सेम टू सेम, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, तो वर्णन पाथ पर डिपेंड कहां करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किस रास्ते से आ रहे फर्क नहीं पड़ता, A तक तो वर्णन सेम ही है। अब आप किसी भी रास्ते से आए, जब आप A से आगे B तक जाएंगे तो इतना वर्णन A से लेके B तक का ही तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप किसी और रास्ते से भी आइए, A से गुजरिए ही मत, लेकिन B तक जाने में A के बराबर वर्णन करना पड़ा, उसके बाद A के बाद B तक जाने में जो वर्णन करना पड़ा है इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जो वर्णन आपको करना है B तक जाने में और A तक जाने में, इनका डिफरेंस सिर्फ इतने ही जोन का है, इसके अलावा पीछे किसी भी रास्ते से आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखो कैसे, आइए भाई पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, क्योंकि जो B से, देखो पिछले स्लाइड, हम लोग किसी भी रास्ते से आए A तक तो उतना ही वर्णन करना है, और A से B तक जाने में जो एक्स्ट्रा वर्णन है वो A से B तक का हुआ। तो फिर हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो क्या वो कौन सा तरीका है, हम लिखेंगे वर्णन, देन bringing a unit positive charge from infinity, not from point A to B, is called potential difference
बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखिएगा, ए से बी तक जाने में आपको जितना वजन करना पड़ा वो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर कोई बच्चा इसे समझने की कोशिश करे तो और बेहतर तरह से समझ सकता है कि यार जो पोटेंशियल डिफाइन किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डिफाइन हो सकता है, इन्फिनिटी और ए पॉइंट के बीच का डिफरेंस। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना था? जीरो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिए कि जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है इज डिफाइंड फॉर एक्सटर्नल वर्क। एजेंट कितना वर्क कर रहा है इस चीज के लिए डिफाइंड है, जबकि एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। दोनों डिफरेंस है, बातों में ध्यान रखिएगा। आगे जब डेफिनेशन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ संबंध आएगा, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर करके आता है, वो माइनस इसीलिए आता है। पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर एक्सटर्नल एजेंट एंड एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा साहब, कैसे कैसे और फॉर्मूला बनेगा बताइए जरा। फॉर्मूला बना लेते हैं, उसमें क्या है फॉर्मूले की क्या है? इफ द वर्क डन इज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है साहब, और जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो मैं कहूंगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देखना पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हम इसे लिखेंगे 1/Q0 और अंदर लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल। आप देखें कि डेल्टा v का मतलब होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू, आप देखें कि 1/4πε0 q/r2 माइनस 1/4πε0 q/r1। q0 q0 का क्या किया आपने 12 का यूनिट? अबे सुनो, यहां पर भाई q0 था, इसके साथ भी q0 था, तो ये जो बाहर मल्टीप्लिकेशन में q0 तुमने लगाया हुआ है इस q0 के साथ ये ये और ये निपटते हुए चले जाएंगे, प्राण निकल गए। तुम्हारा v फाइनल का फंक्शन नजर आता नजर पड़ रही है इस पे कि ये एप्सिलॉन नॉट q/r2 है और v इनिशियल का फंक्शन 1/4πε0 q/r1। अच्छा साहब, अगर मैं कहूं कि r1 इंफिनिटी था तो v इनिशियल तो फिर जीरो था। सर r1 को इंफिनिटी क्यों किया? अबे a पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था? इंफिनिटी पे चार्ज रखा था, a पॉइंट पे लेके आ रहे थे, तो इनिशियली कहां पे रखा था? इंफिनिटी पे। r1 इंफिनिटी कहां लेके आ रहे थे? a पॉइंट पर। उसको हमने r2 को फाइनल पोजीशन को हम बना देते हैं कुछ r, तो v फाइनल जो होगा वो बन जाएगा 1/4πε0 q/r। जो जनरल फॉर्मूला v का है पोटेंशियल का है एज अ फंक्शन ऑफ r वो है 1/4πε0 q/r। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा बहुत सारा कुछ बोला है इसमें, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो बोला है, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। चार्ज साइन के साथ हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रिलेशन या रेट ऑफ फॉल अगर आपको चेक करना है तो पोटेंशियल विल फॉल एज 1/r। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस और आप इधर लगाइए r, यहां लगाइए v, अगेन ये डिक्रीजिंग काइंड ऑफ ग्राफ है और आप इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ कहने वाले हैं। इस तरह से फॉल कर रहा है और नाम होगा इसका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हो गया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। आगे देखें, पोटेंशियल का फॉर्मूला एनर्जी के साथ जोड़े। देख क्या मैंने कहीं लिखा है, पोटेंशियल रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, तो जरूरत नहीं है। इतना पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल इन्हें सफिशिएंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया,
1 वोल्ट की डेफिनेशन देंगे, यहां मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन से पहले पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस लिख रखा है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो लिखेंगे, उसके बाद उससे वर्गम से जूल निकालेंगे, जूल और कूलम से लिखेंगे कि कैसे वर्गम और वोल्ट लिखा जाता है। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या, वर्गम इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट से ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। इंफिनिटी से ए तक लाने में जो वर्गम किया जाए उसको बोलते हैं ए पर पोटेंशियल, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में एस वन जू यहां लगाऊं, इफ वर्गम इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज वन जूल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज कॉल्ड वन वोल्ट। मतलब इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में अगर आपको एक कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन जूल का वर्गन करना पड़ रहा है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वन वोल्ट। आप देखिए गौर से, वो डेफिनेशन जो आपने पहले लिखी पोटेंशियल की, उसी में चार्ज को तो यूनिट रखा और जो वर्गन है उस जितना वर्गन है वो ए का पोटेंशियल था, हम कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर एक जूल करना पड़ा तो एक वोल्ट का पोटेंशियल, दो जूल करना पड़ा दो जूल पोटेंशियल, टेन जूल करना पड़ा टेन जूल टेन वोल्ट का पोटेंशियल। तो जितने जूल का वर्गन उतने वोल्ट का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन में देख लो, वर्गन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम यहां पर ऐसे लगा दें कि इफ वर्गन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब यूनिट पॉजिटिव का मतलब अपने आप में 1 कूलम हो चुका है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज वन जूल, अगर मैं कहूं ऐसा है तो कॉल्ड शब्द को काट दीजिए, then the potential difference between the points is called 1 volt. एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, एकदम सिंपल। आगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली एक्सटर्नल एजेंट से जुड़ा है और एनर्जी जो है वो एक्चुअली कंजर्वेटिव से जुड़ी है और ये दोनों आपस में नेगेटिव साइन से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इसको लिखो कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस है बेटा, वो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वर्गन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, और एक्सटर्नल एजेंट का वर्गन जो है वो माइनस डेल्टा यू बाय चार्ज होता है। अच्छा, ये तो वर्गन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस डेल्टा यू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे वो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज नथिंग बट माइनस टाइम्स डेल्टा यू बाय क्यू नॉट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन क्यू नॉट। अब इस यू फाइनल यू इनिशियल को हटाना, तो डेल्टा वी को देखोगे तो लिखोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन को अंदर डाल दो तो आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल डिवाइडेड बाय। ये आपका रिश्ता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखें। तो आप देखें जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो निकल के आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसी फॉर्मूले से देख रहा हूं, इनटू जिस चार्ज को मूव कराया गया। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्गन देखूं तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्गन तो एक्सटर्नल से माइनस टाइम्स होता है, तो हम उसको लिखेंगे v इनिशियल माइनस v फाइनल, मतलब माइनस लगाने के बाद, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। आपने यहां माइनस लगाया तो ऊपर माइनस लगाया, ऊपर माइनस लगाया तो स्विच कर गया, स्विच कर गया तो ये आ गया, क्लियर है मेरी बात। तो आप पोटेंशियल और वर्गन का रिश्ता भी याद रखें, पोटेंशियल और एनर्जी का रिश्ता भी याद रखें, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल जो है वो एक्सटर्नल के लिए और एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, ठीक है मेरी बात, याद रखनी चाहिए। लेक्चर कंक्लूजन की तरफ आ गया, मतलब देखो एक बार क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छा भी है। आ जाओ बेटा, ये देखो पहली कहानी, सबसे ऊपर चल रहा था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
ये रिवीजन किया हमने पोटेंशियल एनर्जी का, ये देखिए स्लो डिस्प्लेसमेंट की नीड क्या होती है, क्यों किताबों में लिखा होता है स्लो डिस्प्लेसमेंट को समझा, ये दिमाग में रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का पूरा पूरा डेरिवेशन देख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है, स्केलर फंक्शन होता है, ग्राफ ऐसा होता है, दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल का कांसेप्ट समझा और ये भी समझा कि पोटेंशियल अपने आप में एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर क्यों है उसका लॉजिक भी है, वर्क डन स्केलर चार्ज स्केलर तो साफ स्केलर ही आना है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है तो स्केलर नेगेटिव, ये पोटेंशियल भी नेगेटिव हो सकता है, वर्क डन जीरो हो सकता है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल कैन आल्सो हैव द थ्री वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। आ गया है पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल डिफरेंस की प्यारी सी डेफिनेशन देखी, पोटेंशियल की भी डेफिनेशन देखी, ये देखा कि पोटेंशियल एक्सटर्नल एजेंट के लिए डिफाइंड है। अगला देखिए, आपने इसको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के देखा, एक सिस्टम का पोटेंशियल का फॉर्मूला भी मार्क कर लिया, और पोटेंशियल का फॉर्मूला अगेन ये पॉइंट चार्जेस के लिए है, दिमाग में होना चाहिए, चार्जेस को साइन के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। अगले स्लाइड को देखें, ये खाली है, भरी हुई ये है, हमने उसी पोटेंशियल की डेफिनेशन से पोटेंशियल 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना ली जो पोटेंशियल के टर्म में, और उसी से जो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, उसी डेफिनेशन में हमने कुछ चेंजेस किए, वर्क डन को 1 जूल डिफाइन कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन 1 वोल्ट की पोटेंशियल के टर्म में है, ये डेफिनेशन 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में है। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच के संबंध को पढ़ा, और ये गलतियां, ये जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है, ये ऑलमोस्ट सब बच्चों में होती है, तो इन्हें दूर करें, और इसके बाद बस अपनी कहानी खत्म हो रही है। वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, हेंस द लेक्चर कंक्लूड्स। क्या करना है भैया, थैंक्स फॉर वाचिंग, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्यों आपका ज्ञान बढ़ता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है, ईयर लॉन्ग सिलेबस के लिए हमें फॉलो करते रहिए, फॉलो करते रहिए, ऐसे लेक्चर सीरीज आपको साल भर मिलेगी, हाई क्वालिटी कंटेंट है और एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस टीचर और बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर से आपको पढ़ने को मिल रहा है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैंने आईटी कानपुर में बहुत सारी पढ़ाई की है, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा है, आरटी एकेडमी पर हम मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए करिए करिए, हम हर हफ्ते में 3 बार मिलेंगे 12th के लिए, 3 बार मिलेंगे 11th के लिए, पीसीएम भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।